Friends, how are you? I hope that you all have been taking a very very good care about your studies as well as your health. So friends, आज के इस वीडियो में हम एक आर्टिकल तैयार करेंगे और ये आर्टिकल बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मौजू है इस समय, क्योंकि बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं और बच्चे कर रहे हैं क्या करियर प्लानिंग। आइए शुरू करते हैं। वी ऑल, हम सब वॉन्ट, चाहते हैं टू प्लान, योजना बनाना आवर करियर, अपने भविष्य के बारे में। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है टू टेक राइट डिसीजन, सही निर्णय लेना एट द राइट मोमेंट, सही क्षण या सही समय पर। समटाइम्स आवर फैमिली, कई बार हमारा परिवार एज वेल एज सोसाइटी और साथ ही साथ हमारा समाज पुट प्रेशर्स, हमारे ऊपर दबाव डालते हैं टू चेंज आवर डिसीजंस, हमारे निर्णयों को बदलने में। वो कहते हैं ना, हम तो कुछ और चाहते हैं लेकिन हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे पेरेंट्स, हमारे वेल विशर्स हमसे कुछ और उम्मीदें रखते हैं और इस तरह से वो हम पर एक दबाव बनाते हैं। इफ वी आर एबल टू टेक डिसीजंस, अगर हम इस योग्य बने निर्णय लेने के अकॉर्डिंग टू अवर एबिलिटीज और कैपेसिटीज, अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, विदाउट थिंकिंग, बिना ये सोचे व्हाट अदर्स थिंक ऑफ इट, कि दूसरे क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है टू शेप अवर करियर वेल, हमारे भविष्य का अच्छे से निर्माण करने में। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, बजाय इसके हम इस बात पर फोकस करें कि आखिर हमारी एबिलिटीज, हमारी क्वालिटीज और हम खुद आखिर चाहते क्या हैं। सेलेक्टिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एकेडमिक लाइफ। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है सब्जेक्ट सेलेक्शन। जैसे हम 10th पास आउट होते हैं तो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लें, हम स्ट्रीम क्या लें, हमें बायो चाहिए या मैथ्स चाहिए या कॉमर्स चाहिए या ह्यूमैनिटी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है हमारा करियर प्लानिंग का, ठीक है। या 12th पास आउट होने पर हम कोचिंग की तैयारी करें या फिर अपनी मेन स्ट्रीम की एजुकेशन कंप्लीट करें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सोच समझ कर डिसीजन। समटाइम्स पीपल ट्राई टू इन्फ्लुएंस अस, कई बार लोग हम पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, हमारे डिसीजन को चेंज करने में भूमिका अदा करना चाहते हैं, हमारे निर्णय बदलने में। बट वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दीज ओकेजंस, लेकिन ऐसे अवसरों पर हमें मजबूत बनना चाहिए, हमें अपनी बात रखनी चाहिए कि हमारा डिसीजन ये है, हमारी गट फीलिंग ये कहती है, हमारा टैलेंट इस फील्ड में है ना कि इस फील्ड में। इफ वी कैन प्लान आवर करियर वाइजली एंड स्मार्टली, अगर हम अपने भविष्य के बारे में जो प्लानिंग कर रहे हैं वो बुद्धिमानी के साथ साथ समझदारी से भी हो और चतुराई से भी हो, नन विल स्टॉप अस टू बी सक्सेसफुल, हमें कोई भी सफल होने से रोक नहीं पाएगा। वी मस्ट नेवर फॉरगेट, हमें कभी नहीं भूलना है आवर पैशंस और एक्सपर्टीज, हमारे पैशन क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है और हमारी एक्सपर्टीज, हमारी विशेषताएं क्या हैं। इट विल बी आवर यूएसपी इन आवर करियर, हमारे करियर में आखिरकार हमारी ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा। फॉर इंस्टेंस, जैसे मुझे बोलना पसंद है और मैं ऐसा फील्ड सेलेक्ट कर लूँ जिस पर मुझे डेस्क वर्क करना हो, मुझे बोलने का भी मौका ना मिले, तो शायद मैं अपनी इस क्वालिटी को दुनिया के सामने नहीं ला पाऊंगा और शायद मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करूँगा। इस तरह से अपने करियर का प्लानिंग करें फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी, बाय, लॉट्स ऑफ लव।